नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। नमस्कार, मैं हूं अनिल पांडे। नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में हम राजनीतिज्ञों से आपके सवालों के जवाब चाह रहे हैं। उन्हीं सवालों पर चर्चा कर रहे हैं जो जनता के मन में हैं, जो वर्तमान राजनीतिक हालात बन रहे हैं उनको लेकर भी हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष कल्याण अग्रवाल जी। कल्याण जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। जी धन्यवाद। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, धीरे धीरे वैसे ही राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। अभी एक दिन पहले, दो दिन पहले ही यहाँ पर नड्डा जी की सभा हुई, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज जी भी आए थे। शिवराज जी का रात्रि कार्यक्रम यहाँ रुकने का पहले शायद बना था, चर्चाएँ थी, लेकिन वो नहीं रुके। इस कार्यक्रम के बाद भाजपा के पक्ष में कितना क्या माहौल बनेगा, मतलब कितनी सकारात्मकता से ले रहे हैं इस रैली को आप? इस रैली से निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब खरगोन में आए हैं तो खरगोन जिले में कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग का वातावरण बना और एक अतिरिक्त ऊर्जा का संचार हो रहा है। यूं तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा 24 घंटे 365 दिन पाँचों वर्ष सक्रिय होती है, आम जनता के बीच रहती है, कार्यकर्ताओं का समय समय पर प्रशिक्षण, बैठक ये सारी होती रहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है, पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने से निश्चित रूप से हमें और सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है और निश्चित हम भारतीय जनता पार्टी को उसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। खरगोन जिले की 6 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास थी, फिर से भाजपा का प्रयास होगा कि वो सीटें अपने कब्जे में करें, क्या इन्हीं प्रयासों को लेकर भाजपा के दिग्गज नेता जो हैं वो खरगोन जिले की धरती, नवग्रह की धरती पर आ रहे हैं, और आगे ये सिलसिला कब, कौन कौन आने वाले हैं? निश्चित चुनाव तक हर राजनीतिक दल का अपना ये कर्तव्य होता है कि वो अपने मतदाताओं के बीच जाए, जनता के बीच जाए। पिछली बार कांग्रेस के कुछ झूठे वादों के कारण, वो ऋण मुक्ति का हो, बेरोजगारों को भत्ते का हो, स्व सहायता समूह के ऋण माफ़ी का हो, और ऐसे 500-700 वादे जो उन्होंने उनके घोषणा पत्र में किए थे, उस वजह से कहीं ना कहीं हमारा निमाण में हम 6-0 से पीछे थे। लेकिन जिस प्रकार से केंद्र की हमारी सरकार और मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार आम जनों के हित में, विकास में जिस प्रकार से कार्य कर रही है, तो हम वापस खरगोन में बैक करेंगे और 6-0 से भारतीय जनता पार्टी है विजय होगी। देखिए, आपने जैसा कहा कि जनता के बीच जाते हैं, आपने कहा कांग्रेस ने 600-700 वादे किए थे, कई वादे उसमें से पूरे नहीं किए, आपने उनको गिनाए भी अभी, लेकिन भाजपा के नेता भी जनता के बीच जाएंगे तब जनता उनसे सवाल करेगी कि बेरोजगारों के लिए यहाँ कौन सा उद्योग डल गया, पेयजल जो एक खरगोन पेयजल आवर्धन जो एक योजना है वो लंबे समय से सुरसा के मुँह की तरह पैसे खाए जा रही है लेकिन अभी तक वो पूरी होने का नाम नहीं ले रही, आम जनता परेशान है गड्ढों को लेकर। आम जनता के बीच जब आप लोग जाएंगे, जब भाजपा के नेता जा रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हालांकि आम जनता से और मंच के बीच की जो दूरी होती है उसमें अभी तो मुख्यमंत्री जी से चर्चा हो नहीं पा रही है, लेकिन जनता में ये सवाल तैर रहे हैं कि बेरोजगार जो है खरगोन जिले का, निमाड़ क्षेत्र का, उसके लिए कोई औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। निमाड़ कृषि प्रधान जिला है, हमारे यहाँ 85% लगभग सिंचित भूमि हो गई है, जो पिछले 14 वर्षों में 8 गुना हमारा कृषि उत्पादन भारत में सर्वोच्च स्तर पर है। पिछले लगातार 17-18 वर्षों से विश्व में सर्वाधिक कृषि उत्पन्न की दर हमारी मध्य प्रदेश की रही है, जो 18% है। कृषि आधारित उद्योग हमारे खरगोन में जितने हैं वो अपनी पूर्ण कैपेसिटी से चल रहे हैं। जहाँ तक रहा सवाल बेरोजगारी का, तो कृषि से, स्वरोजगार से, मुद्रा योजना से, विभिन्न योजनाओं के तहत हर व्यक्ति अपने अपने रोजगार में लगा है। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई है तो अभी मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ ये योजना प्रारंभ की है, जो एक बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण एक ऐसी योजना है जो युवक सीखेगा भी, उसके साथ उसको 8,000 और 10,000 रुपये प्रति माह
मिलेगा भी, और उसके बाद जब वो हुनर सीख लेगा तो आजीवन अपने कौशल से वो अपना रोजगार कर सकता है। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हमारी सरकार काम नहीं कर रही है। देखिए, आप जमीनी नेता रहे हैं, आप पूरे क्षेत्र को जानते हैं, यहाँ की जनता की समस्याओं को जानते हैं। आपको पता होगा कि निमाड़ क्षेत्र में, विशेषकर खरगोन जिले में, आपने जैसे बताया कि कृषि बहुल क्षेत्र तो है ही, यह सभी को सर्वविदित है, लेकिन ये जो आपने कहा सीखो और कमाओ, हम पिछले 13 साल का, अगर 14 साल का जो भी कार्यकाल शिवराज जी के 3 टर्म में हम देखते हैं, तो खरगोन जिले में कोई नया उद्योग नहीं लगा। उस स्थिति में वो जो बेरोजगार युवक है पलायन करेंगे इस क्षेत्र से, क्योंकि सीखना तो है उन्हें लेकिन कमाने के लिए फिर बाहर जाना है। जैसे यहाँ का मजदूर जो है गुजरात तक जा रहा है मजदूरी के लिए, हमारे यहाँ तो ये समस्याओं का निपटारा क्यों नहीं हो सका? हमारे यहाँ लगातार उद्योग बढ़ रहे हैं। निमरानी हमारा एक औद्योगिक क्षेत्र है, पीतमपुर हमारा एक औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ पर विभिन्न उद्योग नियमित रूप से डल रहे हैं। ये हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर उद्योग नहीं डल रहे हैं, उद्योग बराबर डल रहे हैं, जिनका प्रतिदिन कहीं न कहीं और समिट के माध्यम से, अन्य योजनाओं के माध्यम से उद्योगों का निर्माण हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि निमरानी क्षेत्र में जो उद्योगों की जो एक संख्या जो शुरुआत हुई थी, जो संख्या थी, आज अगर हम वहाँ जाके देखते हैं तो बड़े बड़े उद्योग वहाँ से पलायन कर गए। नहीं नहीं, ऐसा कोई उद्योग वहाँ से पलायन नहीं किया, कई उद्योग हैं जो वहाँ पर बंद पड़े हैं, आप जाकर देखिए। ये सिर्फ कहने की बात होती है। हाँ, उद्योग वहाँ पर सब अपने कृषि आधारित क्षेत्र है, कृषि आधारित सारे उद्योग यहाँ पर चल रहे हैं। और आने वाले समय में जो बेरोजगारों की समस्या है उसको लेकर, और साथ ही मैं आपसे इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा युवाओं के लिए, हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज, हम किसान बहुल तो बोलते हैं, हम गरीब वर्ग भी बोलते हैं, यहाँ पे है गरीब किसान वर्ग, लेकिन उनके बच्चों की शिक्षा के लिए लंबे अरसे से एग्रीकल्चर कॉलेज की मांग की गई, जिसके लिए बाहर जाना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज तो खैर शिवराज जी, अभी पता चला है कि उन्होंने घोषणा की कि खरगोन में खुलेगा, उसका उद्घाटन होगा, लेकिन एग्रीकल्चर कॉलेज पर एक न्याय व्यवस्था को लेके पिछले 50 वर्षों में भारत में 300 मेडिकल कॉलेज थे। भारतीय जनता पार्टी के इन 9 वर्ष के कार्यकाल में देश में 700 मेडिकल कॉलेज, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हम धन्यवाद देंगे कि खरगोन में मेडिकल कॉलेज की उन्होंने घोषणा की और स्वीकृति भी हमको मिल गई है। विधि संकाय के रूप में कॉलेज में बिल्डिंग तैयार है, बहुत जल्दी विधि संकाय शुरू होगा। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज का प्रस्ताव प्रस्तावित है। एक जिला न्यायालय की भी बात है, जिला न्यायालय अभी महेश्वर में है, यहाँ के एडवोकेट उसकी मांग करते हैं कि वो खरगोन में आना चाहिए, विधि विभाग उसका परीक्षण करेगा, अगर खरगोन के लिए वो उपयुक्त होगा तो निश्चित खरगोन में लाएंगे, और हम खरगोन के वासी होने के कारण हमारा भी ये प्रयत्न होगा कि वो खरगोन आए। लेकिन मेडिकल कॉलेज जो खरगोन आया है, पहले जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थी प्रदेश सरकार की, वो उसको महेश्वर ले गई थी, उसके बाद फिर वो निरस्त हुआ, फिर वो खरगोन स्वीकृत हुआ। अब महेश्वर की जो जनता है उस विधानसभा क्षेत्र की, उनमें भाजपा के प्रति रोष पैदा हो रहा है, वो सांसद को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, वो भाजपा के जनप्रतिनिधियों को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं कि स्थानीय प्रतिनिधियों ने उसका पूरी तरह से पक्ष सीएम के सामने नहीं रखा, वही कारण रहा कि महेश्वर का कॉलेज खरगोन आ गया। तो एक तरह से गले की हड्डी भाजपा के लिए बन गई। भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी इसलिए नहीं है कि मेडिकल कॉलेज खरगोन मुख्यालय पर ही होना था, मुख्यालय पर स्वीकृत था, वह अपनी संकीर्ण मानसिकता के कारण, अपने राजनीतिक लाभ के कारण अपने क्षेत्र में ले गई। भौगोलिक दृष्टि से भी देखें तो खरगोन की 6वीं विधानसभा की दृष्टि से खरगोन उसका केंद्र होता है, वो वहीं होना चाहिए था। चूँकि वो स्वास्थ्य मंत्री थी, उन्होंने पूरे जिले को अनदेखा किया और अपने क्षेत्र का लाभ लेने के लिए वो वहाँ पर उसको लेके गई। इस बात को जनता भली भांति जानती है। जहाँ तक महेश्वर का सवाल है, वहाँ की जनता को तीर्थ नगरी का, पर्यटन का और अन्य वहाँ पर जो बुनकर का है, ये सारे काम आम लोगों के बीच में हमारे उस क्षेत्र के विकास के लिए कर रहे हैं, उन क्षेत्र के लोगों के रोजगार के लिए चल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा विषय नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जनता उस बात को समझेगी कि आम लोगों के लिए महेश्वर के बजाय खरगोन उपयुक्त स्थान है और उसको हमने चयनित किया है। कल्याण जी, उत्तर प्रदेश में तो योगी जी का राम जी ने बहुत साथ दिया, सरकार फिर से उनकी बन गई, मजबूती के साथ बन गई, लेकिन कर्नाटक में बजरंग बली जो थे वो भाजपा के विरुद्ध हो गए, भाजपा से नाराज हो गए, और कांग्रेस के लिए एक तरह से बैठे बैठाए उनकी खिचड़ी पक गई। बजरंग बली नाराज नहीं हुए, राम जी भी हमारे साथ है, बजरंग बली भी हमारे साथ है, और हमारे साथ का विषय नहीं है, सत्य के साथ है।
इस राष्ट्र के विकास के साथ है, आम लोगों के जीवन कैसे अच्छा हो उसके साथ है। बजरंग दल पर प्रतिबंध की उन्होंने बात की थी, इसलिए कहीं भी कांग्रेस बजरंग बली के वहाँ साथ नहीं था। वहाँ तुष्टीकरण की एक नीति चली, एक विशेष वर्ग के 5% मत जो JDS के साथ थे, देवगढ़ा जी के साथ थे, वो 15 से घटकर 10 हो गए। वह तुष्टीकरण करने में सफल हुए, भारतीय जनता पार्टी का कोई वोट शेयर वहाँ कम नहीं हुआ, और वो 5% वोट शेयर कांग्रेस को सीधा जाने से हमारी वहाँ सरकार नहीं रही है। हम भविष्य में इन चीज़ों पर चिंतन भी करेंगे, उसी सक्रियता के साथ फिर जनता के बीच में जाएंगे और हर चुनाव हम जीतेंगे। नहीं, लेकिन मोदी जी ने जिस ढंग से कर्नाटक में प्रचार प्रसार किया था, बहुत एक माहौल बना था भाजपा के पक्ष में। भाजपा ने उसके बाद बजरंग दल जो बैन किया जा रहा था उसका मुद्दा उठाया, कांग्रेस के नेताओं ने इस पक्ष में बोला भी, उन्होंने बताया कि हम भी 200 मंदिर बनवाएंगे हनुमान जी के, बहुत सारी बात हुई। और उनका मेन मुद्दा जो था 40% भ्रष्टाचार की सरकार, बजरंग दल के प्रतिबंध के बाद मंदिर बनाने की घोषणा का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता। भ्रष्टाचार के भी बहुत आरोप लगे थे, बहुत सारे कांग्रेस चुनाव हारी है उसके साथ, उत्तर प्रदेश में उसी समय सारे नगर निगम नगर पालिका में बुरी तरह हारी है, हम उस पर बात नहीं करते, है ना। सिर्फ कर्नाटक में अगर वो कहीं एक विजय हुए हैं और वो उनके तुष्टीकरण को लेकर सफल हुए हैं, एक पोलराइजेशन उन्होंने वोट का किया है, वो जनता वहाँ की समझ गई है। फ्री के वादे दिए थे उन्होंने, बिजली माफ़ के 2 रुपये 93 रुपये से यूनिट वहाँ बढ़ा दी गई है, तो ऐसे बहुत सारी बात है, वो सारी चीज़ें आम लोगों को समझ में आ गई है, तो इसलिए उसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। चलिए, लेकिन मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी ने मंदिरों में जाना शुरू कर दिया है, धार्मिक यात्राओं को लेकर कांग्रेस तैयारी कर रही है, तो ऐसा नहीं लगता कि भाजपा का जो हिंदुत्व था उसके अगेंस्ट कांग्रेस ने एक रणनीति तैयार कर ली है, तो भाजपा को वो जो फायदा मिलता था हिंदुत्व का, वो मध्य प्रदेश में मिलना मुश्किल है? भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व का फायदा नहीं मिलता था, भारतीय जनता पार्टी को विकास का, इस देश की संस्कृति और सनातन धर्म के आधार पर देश का जो विकास होना चाहिए, यहाँ के व्यक्ति परिवारों का जो सांस्कृतिक राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन का जो विकास होना चाहिए, उस आधार पर वो चुनाव लड़ती है। कांग्रेस अगर वो मंदिर जाती है तो भगवान उनने उनको सद्बुद्धि दी है, मैं इसके लिए प्रभु का कृपा मानता हूँ। दिग्विजय सिंह भी इस बार काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। दिग्विजय सिंह जितने सक्रिय होंगे उतना हमको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि कहते हैं दिग्विजय सिंह तो भंटाधार करने के लिए ही कांग्रेस के थे, और दिग्विजय सिंह जहाँ जहाँ जाएंगे जितना बोलेंगे उतने भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़ेंगे। खरगोन जिले में जो विकास नहीं हो पाया ठीक ढंग से, उसमें दो चीज़ें बताई जा रही हैं कि एक तो भाजपा का कोई यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं था सांसद के अतिरिक्त, दूसरा स्थानीय जो एक आरोप है कि हमने कुछ चर्चाएँ की उसमें एक आरोप लगा है कि जो स्थानीय विधायक थे उन लोगों ने औद्योगिक विकास या इस किसी प्रकार के नवाचार को लेकर विधानसभा में कोई आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने कोई प्रश्न नहीं लगाया, क्या कारण रहे? भाजपा इसमें कमज़ोर रही या कांग्रेस के निर्वाचित प्रतिनिधि कमज़ोर रहे? पहली बात यहाँ, या दोनों का सामंजस्य नहीं बैठ पाया? यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बात करें तो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में भी ये 5 विधायक मिलकर यहाँ के मेडिकल कॉलेज को महेश्वर ले जाने से नहीं रुके, इसका अर्थ है कि क्षेत्र के विकास के लिए वो सिंसियर नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनका कोई विज़न ही नहीं है, सिर्फ यहाँ के विधायक नहीं, कांग्रेस पार्टी का कोई विज़न नहीं है। झूठ बोलना, लड़ाना, आपस में बांटना, कमियाँ निकालना, हुए विकास में से कोई ना कोई बात के मुद्दे को लेकर समाज में आधारित धर्म पर आधारित बांट कर वोट लेना चाहते हैं, तो इसलिए उनसे विकास की तो हम कल्पना कर ही नहीं सकते। भाजपा विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी, भाजपा कर्नाटक को मध्य प्रदेश में रिपीट नहीं करने जा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो एक धार्मिक स्टैंड लिया है उसको भी भाजपा का कहना यह है कि वो उसमें पूरी तरह से विफल होंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सदस्य कल्याण अग्रवाल से। अभी फिलहाल में वक्त एक छोटे ब्रेक का, छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए AW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में इस समय हम
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक मुद्दों और संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं स्टूडियो में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष वर्तमान प्रदेश कार्य समिति सदस्य कल्याण अग्रवाल। कल्याण जी, आगामी विधानसभा चुनाव में कई कैंडिडेट हैं जो इन 6 विधानसभा सीटों पर, विशेष रूप से खरगोन, महेश्वर और बड़वा, इन सीटों पर ज़्यादा गहमा गहमी है भाजपा के टिकट को लेकर, और कई कैंडिडेट हैं जो चाह रहे हैं कि हम इन सीटों से लड़ें। खरगोन विधानसभा सीट पर आपका भी नाम काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है, तो इसको लेकर एक छोटी सी गुटबाजी भी दिखाई दे रही है, तो क्या ये गुटबाजी भाजपा के लिए आगामी चुनाव में परेशानी का बाइस नहीं होगा? पहली बात, अगर टिकट के लिए उम्मीदवार बहुत ज़्यादा होते हैं, इसका मतलब है कि जनता क्षेत्र में जनता का समर्थक उस राजनीतिक पार्टी को है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हर व्यक्ति का अपना एक महत्वाकांक्षा होती है, वो राजनीति इसीलिए करता है कि वो उच्च पदों तक जाए। भारतीय जनता पार्टी में इसलिए भी कि यहाँ वंशवाद नहीं है, आम लोग यहाँ विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक बनते हैं, तो सब लोगों की उसमें इच्छा होना एक स्वाभाविक बात है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात है, ये उसकी संपन्नता दर्शाता है। और गुटबाजी का जहाँ प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी अपना एक संगठनात्मक विचार के साथ, संगठन के साथ आगे बढ़ती है। देखिए, जो जिला संगठन है उसमें भी आपस में वैचारिक मतभेदों की चर्चाएं तो काफ़ी समय से चल रही हैं। हमारे यहाँ मनभेद नहीं होते, विचार रखने के लिए प्लेटफॉर्म होता है, हर आदमी अपना विचार रखता है। जिले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हमारी ऐसी व्यवस्था है कि हम अपने बात वहाँ करते हैं, उसका वहाँ निराकरण भी होता है और समय आने पर सब मिलकर एक साथ चुनाव लड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए तो आज गली से लेकर दिल्ली तक विजयी होती है। अगर इस प्रकार की घटना हो तो हम दिल्ली या प्रदेश में सरकार ही नहीं बना सकते। एक सवाल इसके साथ और मैंने जोड़ा था, काफ़ी सफाई से मुझे लगता है वो टाल गए हैं, लेकिन हमारे कार्यक्रम में आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। खरगोन विधानसभा सीट पर नंबर 1 पर जो नाम है वो है कल्याण अग्रवाल। क्या पार्टी अगर आपको आदेशित करती है, और आप अपने आप को कितनी, मतलब किस प्रकार से आप अपने आप को तैयार मानते हैं? निश्चित, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लंबे समय से काम कर रहा हूँ, लंबे समय से विधानसभा के लिए अपनी दावेदारी भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। पार्टी अगर मुझे विश्वास, मुझ पर विश्वास करती है, और पार्टी की अपनी एक क्राइटेरिया है, वो सर्वे के आधार पर, संगठन में काम करने के आधार पर, आम कार्यकर्ताओं के बीच अपनी लोकप्रियता के आधार पर, जनता में लोकप्रियता के आधार पर अपना सर्वे करती है, उन सब मापदंडों पर मैं अगर खरा उतरूँगा तो निश्चित मुझे पार्टी अवसर देगी। और मेरा अपना ऐसा मानना है कि मुझे जनता का आशीर्वाद बहुत अच्छे से मिलेगा और खरगोन में ऐतिहासिक विजय भी मुझे मिलेगी। देखिए, क्राइटेरिया की जहाँ तक आप बात करते हैं, आप जिला भाजपा अध्यक्ष रहे, यानी आपने पार्टी संगठन में भी एक मुखिया की भूमिका निभाई जिले में, आप अपने परिवार में भी, आपकी दोनों बेटियाँ IAS पद पर हैं, परिवार में भी आपने एक सफल मुखिया की भूमिका निभाई है, उद्योग में आप एक सफल उद्योगपति हैं, यानी आपने औद्योगिक विकास और जो व्यवसाय है उसमें भी एक सफल व्यवसाय की भूमिका निभाई है। इन सारी भूमिकाओं के बाद तो भाजपा ने टिकट दे ही देना चाहिए आसानी से, क्योंकि जो आपका जो सामाजिक ताना बाना है, लोगों से मिलना जुलना जो है, वो सभी प्रकार से सभी लोगों में है, इसके बाद कहाँ कोई गुंजाइश रह जाती है। निश्चित, आपने सही कहा कि मैं सारे समाजों में मेरा संपर्क है। कृषि व्यवसाय होने के अधिक कारण प्रातः से लेकर रात्रि तक किसानों के बीच में रहता हूँ। मैं एकल विद्यालय या वनवासी क्षेत्रों में संघ के एक प्रकल्प के माध्यम से काम करता हूँ, तो कृषक हो, व्यापारी हो, आम लोग हो, सदैव उनके बीच में रहता हूँ। तो अगर पार्टी मुझे अवसर देगी तो मुझे सब वर्ग का समर्थन मिलेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और पार्टी जहाँ तक टिकट का है, उसका अपना एक मापदंड होता है, उन मापदंड पे अगर मैं खरा उतरूंगा तो निश्चित रूप से मुझे टिकट मिलेगा। चलिए, हमारी तरफ से तो आपको शुभकामना, लेकिन मध्य प्रदेश में जो इस समय जो हालात बन रहे हैं, लाडली बहना योजना 1,000, नारी सम्मान 1,500 रुपये, आखिरकार ये हुआ कि शिवराज सिंह जी को बोलना पड़ा कि नहीं नहीं हम धीरे धीरे करके इसको 3,000 तक ले जाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि देश में रेवड़ी बांटना बंद करो, और स्थिति ये आ गई है कि आज भाजपा को भी वही
योजनाएं देना पड़े कि किसी भी प्रकार के से आर्थिक लाभ दिया जाए और वोट लिया जाए। लाडली बहना, पहली बात तो नारी सम्मान और बहन, तो हम नारी को बहन मानते हैं, इसीलिए नारी का हम सम्मान करते हैं। कांग्रेस सिर्फ वादे करती है, आम लोगों का विश्वास कांग्रेस पर नहीं है। और शिवराज जी ने कहा है 1000 से 1250, 1500, 1750 और 3000 तक हम ले जाएंगे। यह रेवड़ी नहीं है, ये हमारी उन बहनें के लिए एक सम्मान की राशि है कि उस सम्मान की राशि से उनके जीवन में कहीं ना कहीं जो कोई एक अभाव होता है उसको वो अच्छे से दूर कर सके। और निश्चित वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे साथ रहेंगी। और कांग्रेस पर किसी का भरोसा आज तारीख में नहीं है, क्योंकि उनका न नीति है, न नेता है, न विश्वास है। उनका तो सिर्फ सिद्धांत है कि कहीं ना कहीं कमी निकालना, भड़काना, आपस में विद्वेष पैदा करना, समाज में बांटना, धर्म में बांटना और झूठ बोलना, एक झूठ को बार बार बोलना और ज़ोर से बोलना, उनको बहुत अच्छे से सब समझ चुके हैं। अब उनका कहीं कोई जनाधार नहीं है। देखिए, इस बात को तो स्वीकार करने में कोई दो राय नहीं है कि देश में और प्रदेश में विकास हुआ है, कई विकास के ऐसे कार्य हुए जो अभूतपूर्व हैं, लेकिन फिर भी जो बढ़ती हुई महंगाई है, उस महंगाई ने जो कमर तोड़ी आम जनता की, उस स्थिति में वो 500 रुपये के सिलेंडर की ओर आकर्षित क्यों नहीं होगा? विश्व में अगर महंगाई सबसे कम है, महंगाई की दर, तो वो भारत में है। हम आज देखते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई की दर 40% से ऊपर है, बांग्लादेश, श्रीलंका 20% से ऊपर है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर महंगाई की दर सबसे कम है, सबसे कम दर विश्व में। इवन यूरोप और अमेरिका को भी देखें तो हमारी आर्थिक विकास दर को सर्वाधिक रखने पर हम लोग सफल हुए हैं। ये हमारे नेतृत्व का एक दूरदृष्टि है, अपनी एक आर्थिक योजना है, इसलिए ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। रहा 500 रुपये के सिलेंडर वाली बात, तो 500 का सिलेंडर है तो हम तो 1000 रुपये दे रहे हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, एक घर में अगर हम जाएंगे तो अलग अलग 500 आयुष्मान कार्ड, 5 लाख रुपये तक का उसका बीमा, उज्ज्वला में हमने तो गैस टंकी ही फ्री में दी है ना, प्रधानमंत्री आवास, कहाँ इंदिरा कुटीर, एक पंचायत में एक या दो होती थी, आज ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख और शहरी क्षेत्रों में 2.5 लाख और लाखों की तादाद में। खरगोन जिले की बात करें तो 3.5 लाख प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, हर घर नल। हम देखते थे कि नल की क्या, पानी की क्या मारामारी होती थी, तो हर घर नल। ऐसे ऐसे हमने जीवन स्तर को, गरीब कल्याण की योजना है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सड़कें, हम जिले की और खरगोन की बात करें तो 55 सड़क योजनाएँ अभी हमने मंजूर करी है जी। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, वो व्यक्तिगत विकास का हो, वो शहर के गांव के विकास का हो, वो राष्ट्र के विकास का हो, वो राष्ट्र की सुरक्षा को हो। वह खरगोन की बात करें तो नवग्रह कॉरिडोर, कुंदा सफाई के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए अपना एक बजट, तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं है। और निश्चित रूप से आगे हम और ऊँचाइयों को प्राप्त करेंगे। वो पुल जो है, ओवर ब्रिज, चौला बिल्डिंग से लेकर बिस्टान रोड, तो इससे सारी योजनाएं हैं और हम खरगोन का विकास भी उसी गति से करने जा रहे हैं। निमाड़ क्षेत्र में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, इसके उन्मूलन को लेकर भाजपा क्या करने जा रही है, क्योंकि अभी तक जो देख रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। मैं इसको थोड़ा अलग दृष्टि से सोचता हूँ। बेरोजगारी को सिर्फ नौकरी से देखा जाता है। हमारे देश में प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर की अगर नौकरी को गिना जाए तो मात्र 8% नौकरी होती है, 92% स्वरोजगार, वो कृषि पर आधारित हो, कृषि मजदूर के रूप में हो, अपने व्यवसाय के रूप में हो, वह होता है। और रोजगार को सिर्फ नौकरी से देखना गलत होता है। हर व्यक्ति सरकारी नौकरी चाहता है। बेरोजगारी दूर करने के लिए हमने मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यापारियों को, मध्यम उद्योगों के लिए विभिन्न राहत, कृषि पर हमने जो, जैसा मैंने बताया कि कृषि में हमारी सिंचाई हो, पानी हो, हर दृष्टि से बिजली हो, सड़क हो, उस दृष्टि से कृषि को हमने विश्व में सर्वाधिक बढ़ती हुई कृषि पर हम पहुँचे हैं। तो ये सब क्षेत्र बेरोजगारी को दूर करने वाले हैं। हमारा मानना सिर्फ नौकरी से नहीं है, उन 92% लोगों को भी अगर हम सहयोग करेंगे तो उससे रोजगार की समस्या निश्चित दूर होगी। चलिए, आपने ये तो बताया कि विकास का जो मुद्दा होगा वो अहम होगा और जनता उसी से प्रभावित होकर भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी, लेकिन हाल ही में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक मुद्दा चला है राष्ट्रीय स्तर पे, कई
बयान हो रहे हैं इसके पक्ष में, विरोध में। कांग्रेस और अन्य दल जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ पार्टियों ने हालांकि सैद्धांतिक रूप से समर्थन दिया है, लेकिन वो भी चर्चा को लेकर अड़े हुए हैं। अंतिम चर्चा संसद में ही होना है। मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय पे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या असर पड़ेगा? क्या इसके बाद जो विरोध हो रहा है, जिसको भाजपा बोल रही कि भ्रम फैलाया जा रहा है, क्या उस भ्रम में अल्पसंख्यक समुदाय आएगा? हमारा राजनीति करने का सिद्धांत है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमने कहीं तुष्टीकरण नहीं किया है। हमारे द्वारा दी गई सारी योजनाएं वह भारत के हर नागरिक के लिए है, उसमें वो अल्पसंख्यक वर्ग का नागरिक भी हो। जब समान अधिकार है तो समान कानून क्यों नहीं होना चाहिए, ये उन्हें भी समझ में आता है। पर कांग्रेस, वही बात है कि तुष्टीकरण, भावनाओं को भड़काना और वोट बैंक की राजनीति के कारण उनको इस बात के लिए वो बोलती हैं कि ये उनके नुकसान में। जब भारत का प्रत्येक नागरिक समान रूप से रहता है तो उसके लिए समान कानून होना चाहिए, और वो उसी लिए उस तरफ हम आगे बढ़ भी रहे हैं। निश्चित रूप से वो लागू भी होगा और उसका कोई विरोध नहीं होगा। जैसे 370 हटाने पर हमने देखा, राम मंदिर के निर्माण के समय हमने देखा, या CAA NRC के समय हमने देखा, तो यहाँ पर उसका कोई विरोध नहीं होना है, कोई उसका बहुत बड़ा कारण नहीं बनना और वो लागू होगा। देखिए, विपक्ष का एक आरोप ये भी है कि भाजपा ने, केंद्र सरकार ने बगैर चर्चा के इस मुद्दे को बहस का विषय बना दिया लोकतंत्र में। और साथ में विपक्ष ये भी कह रहा है, जो चर्चाओं में सामने आ रहा है, कि अल्पसंख्यक और अन्य समुदायों को डर है, विशेषकर मुस्लिम समुदाय को, कि उनके धार्मिक जो अधिकार हैं कहीं ना कहीं वो आहत होंगे। वही बात होती है ना कि जितनी धार्मिक स्वतंत्रता भारत में अल्पसंख्यकों को है, वह विश्व के किसी देशों में नहीं है। 3 तलाक की हम बात करें तो भारत के कहीं पहले, अभी मोदी जी ने कहा, हमने सुना पाकिस्तान में, अन्य देशों में, अन्य मुस्लिम देशों में 3 तलाक के कानून नहीं थे और हमारे यहाँ चला रखे थे। उसका मात्र कारण है कि वह इस प्रकार के भुलावे देकर उनको एकत्रित करना और हमारा वोट बैंक बना रहे, उनको उनके विकास से मतलब नहीं है। जब समान रूप से, समान कानून से सब लोग करेंगे तो उनका विकास भी समान रूप से होगा, और ये निश्चित रूप से उनको समझ में आ भी जाता है। वो अपनी कोशिश करते हैं, उसमें वो सफल नहीं होंगे। हालांकि केंद्र सरकार और सरकार के जो मंत्री हैं, नेता हैं, ये कह रहे हैं कि देश के सभी नागरिकों से UCC के मुद्दे पर आम राय मांगी गई है और उसी आधार पर एक मसौदा तैयार किया जाएगा जो बाद में संसद में बहस के लिए रखा जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं जो आने वाले समय में सरकार दूर करेगी, बताएगी आम जनता को। लेकिन ये विधानसभा चुनाव के पहले हो जाता है तो ठीक है, वरना आप जो कह रहे हैं कि विरोध विपक्ष कर रहा है, भ्रम फैला रहा है, तो ये भ्रम की स्थिति से आप कैसे निकाल पाएंगे इनको? क्या आपको लग रहा है कि ये विधानसभा चुनाव के पहले जो UCC का बिल है वो संसद में आ जाएगा? ये मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता, जो उसके लिए जवाबदार प्रवक्ता वो बोलेंगे। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि अगर वो विरोध भी करते हैं तो हमारे यहाँ का अल्पसंख्यक वर्ग जानता है कि अगर प्रधानमंत्री आवास है तो वो भी अल्पसंख्यकों को दिया जाता है। आयुष्मान कार्ड 5 लाख का अगर बीमा है वह भी उनको दिया जाता है। मुफ्त में अनाज हो वह भी उनको दिया जा सकता है। अल्पसंख्यक वर्ग इस देश में गरीबी में उनकी बहुतायत है और सरकारी योजनाओं का सर्वाधिक लाभ भी वो लेते हैं और बिना किसी भेदभाव के उनको मिलता है। तो उनको ये समझ में आएगा कि जब सरकार 9 साल से यहाँ पर है, 20 साल से मध्य प्रदेश में है और एक भी योजना में, एक भी कार्यक्रम में इस प्रकार का कहीं हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर या हमारे साथ भेदभाव नहीं हुआ है, तो कॉमन सिविल कोड भी उनको कहीं ना कहीं कोई प्रभाव नहीं डालेगा और विपक्ष की इस चाल में वो कामयाब नहीं होंगे। एक आरोप ये भी है भाजपा पे कि जो खरगोन में अभी सांप्रदायिक दंगे हुए थे, विधानसभा चुनाव में उसको किसी न किसी प्रकार से भुनाने का प्रयास भाजपा करेगी ताकि ध्रुवीकरण करके हिंदुओं का ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल किया जा सके। मैं पहले भी बोला, ध्रुवीकरण हम नहीं करते। जिस प्रकार से कर्नाटक चुनाव में उन्होंने किया, ध्रुवीकरण कांग्रेस ही करना चाहती है। और खरगोन के दंगे जहाँ तक प्रश्न है, वो क्या हुए, कैसे हुए, सब लोगों को मालूम है। उसके लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता सब चीज़ को सब देखती है, मूक दृष्टा है, और वो समझती है, उसको जो ठीक लगेगा वो उसके साथ रहेगी। चलिए, ये तो बात हुई। अब मैं आपसे एक अंतिम जो पड़ाव चल रहा है उसमें सवाल पूछना चाहूँगा। खरगोन विधानसभा में आप ऐसा सबसे बड़ा काम, या खरगोन
जिले में ऐसा सबसे बड़ा काम कौन सा, ऐसी कौन सी कमी रह गई है जिसको अगर आप विधायक बनते हैं या एक जन नेता के हिसाब से आप देखते हैं तो उसकी आप सबसे पहले पूर्ति करना चाहेंगे? खरगोन में निश्चित, खरगोन अगर यूं देखें तो एक विकसित या विकासशील जिला या शहर बना है। हम व्यापार में देखें तो आज खंडवा या इंदौर, इवन इंदौर के बाद पूरे संभाग में खरगोन सबसे बड़ा जिला है व्यापार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, फैलाव की दृष्टि से। फिर भी अगर मुझे यहाँ अवसर मिलता है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतती है तो सभी क्षेत्रों में, जैसे हम अगर शिक्षा की बात करें तो विधि संकाय मेडिकल के बाद हम एग्रीकल्चर कॉलेज कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलेज में अन्य उन्नयन करके विषयों को उसमें ऐड कर सकते हैं। हम अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो हॉकी के लिए टर्फ मैदान की कोई एक प्लानिंग कर सकते हैं, एक बड़ा स्टूडियो, एक इंडोर आउटडोर सारे उसमें खेल हो सकें, युवाओं को उसका लाभ मिल सके, इस प्रकार का हम कर सकते हैं। शहर में 56 दुकान इंदौर के तर्ज पर एक अच्छा मार्केट जिसमें, जैसा आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसा यहाँ शहर को जिसमें उनको जाने का भी अवसर मिले, अपना समय और आउटिंग करने का भी अवसर मिले, इस प्रकार से हम उसको भी कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया ओवर ब्रिज वाला एक प्लानिंग हमारा है, कुंदा सौंदर्यीकरण है, तो ये सब काम हम कर सकते हैं। नौगरा डेयरी कैरिडोर हम बताई मतलब घोषणा कर ही चुके हैं और उसकी बहुत जल्दी निर्माण कार्य भी शुरू होने वाला है। तो खरगोन एक हरी पर्वत, एक बड़ी योजना हमारी वो भी चल रही है, वो भी स्वीकृत हो गई है, तो खरगोन बहुत सौंदर्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, हॉस्पिटल का उन्नयन 300 बेड से 400 बेड का हो गया है, तो मेडिकल कॉलेज आएगा तो और उन्नयन उसका होगा, तो सभी क्षेत्र में हमारा विकास की यहाँ प्लानिंग है और खरगोन निश्चित बहुत आगे बढ़ने वाला है। चलिए कल्याण जी, आज आप स्टूडियो में आए और आपने ऐसी बहुत सी चीज़ें बताई, आप एक स्वप्न बताया, आपके मन की बातें आपने बताई कि अगर आप को यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिलता है भाजपा की ओर से तो आप कौन कौन से परिवर्तन लाना चाहेंगे और कौन सी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके और शहर की जनता भी यही चाहती है कि उनका जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि आए वो उन विकास योजनाओं को आगे ले जाए जो कहीं ठहरी हुई हैं, उन नई विकास योजना को लेकर आए जिससे रोज़गार मिले, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके, यही एक आम शहरी की इच्छा होती है। आज आप स्टूडियो में पधारे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी हजरो कार्यक्रम में आज इतना ही, अगले कार्यक्रम में हम फिर किसी राजनीतिक शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए HW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिर हो।